Subscribe to our channel and click on the bell icon to never miss a video from Outstyle. Hi and welcome back to my channel outstyle.com. मैं हूँ नादिया खान और मैं सपोर्ट करती हूँ नेचुरल मेकअप को कि नेचुरल मेकअप जो है उससे अच्छा कुछ नहीं. बहुत ज़्यादा मेकअप कर लेना, बहुत सारी लेयर्स थोप लेना, उसमें अच्छे आप दूर से लग सकते हैं पिक्चर्स में, वीडियोस में, लेकिन करीब से जब देखते हैं तो अच्छा खासा दिल को झटका लग जाता है. अच्छा, एक चीज़ है जिससे मुझे लगता है कि आपका मेकअप जो है ना, चाहे मतलब कम मेकअप करें ना भी करें, लाइनर भी चलेगा ना, जो इन्हेंस करता है ना आपकी लुक को, बड़ा स्टाइल और एक सॉफ्ट जो आपको सॉफ्टनेस देता है वो होती है आई लेंस. तो आप में से कितने लोग आई लेंसेस का इस्तेमाल करते हैं? एक हाथ तो मेरी सहेली ऐसी है जिसको तो कभी हमने देखा ही नहीं बगैर लेंसेज के. हमें पता ही नहीं उनकी आंखों का असली कलर क्या. झूठ बोलती हैं जब वो कहती हैं असली है, मेरी नेचुरल है. लेकिन मैंने सेलिना जेटली को भी एक बार पूछा था, उसकी वाकई रियल ग्रे है जो कि कभी रियल नहीं लगती. ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी असल में प्यारी लाइट लेंसेज होते हैं, कोई मानता ही नहीं कि वो असली हैं, लगता है कि लेंसेज पहने हुए हैं. और कुछ लोग ये हैं कि जो बोल रहे होते हैं बार बार असली हैं असली, और वो फेक होते हैं. तो मुझे लगता है कि जब आई मेकअप मैं करूँ उसके बाद लेंस पहनूँ ना, तो अजीब से एक अलग सी ना एक ग्लो और एक रौनक सी आ जाती है, मेकअप उठ जाता है आई लेंस के बाद, लाइट आई लेंसेज के बाद. लेकिन मैं ज़्यादा दिन पहन नहीं सकती, मुझे तो कोई रिएक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन मुझे शदीद हो जाती हैं. ड्रामे के बीच में भी मुझे भी इन्फेक्शन आईज़ की हो गई थी, तो मुझे तो डॉक्टर ने कहा था ज़्यादा लेंस पहनने नहीं. तो मैं एक ब्रांड है जो कि मैं अब आजकल सिर्फ यही यूज़ करती हूँ व्हेन आई हैव टू, एंड दिस इज़ एयर ऑप्टिक्स कलर्स बाय फ्रेश लुक. फ्रेश लुक का ये एक लग्जरी कलेक्शन है, एक्सपेंसिव है फ्रेश लुक से ज़्यादा, और ये ब्रीदेबल है. तो इसलिए इसमें कहते हैं कि आप पहने तो मुझे कंफर्टेबल लगती है. मैं नॉर्मल लेंसेज पहनती हूँ तो मुझे बहुत इरिटेशन होती है. दिस ब्रांड फॉर सम रीज़न ये मुझे इरिटेशन नहीं देता. वन मंथ के बाद इसको डिस्कार्ड करना होता है. अच्छे कलर्स हैं इसमें. मैं जो नॉर्मली अपनी वीडियोस में पहनती हूँ, उस वक्त मैंने कोई लेंस नहीं पहना हुआ, तो वो मैं पहनती हूँ हेज़ल. ड्रामे में भी मैंने हेज़ल पहनी है, और ड्रामे के एंड में मुझे आई इन्फेक्शन हो गई थी, फिर मैंने उठा के लेंस फेंक दी. मुझे इतना गुस्सा चढ़ा कि आँखों में इतनी दर्द, रेड हो रही, और फिर डॉक्टर ने ढेर सारे आई ड्रॉप्स वगैरह दिए, और कोई 7 दिन लगे थे मेरी आँखों को ठीक होने में. तो अब नाउ आई एम वेरी केयरफुल. But there's a new brand, it's called Bella. Bella का मैंने आज रिव्यू देना है और आपको बताना है कि कैसा लग रहा है. मैंने काफ़ी यहाँ जो लेबनीज, सीरियन, अरब लड़कियाँ जो कि बड़ा बोल्ड मेकअप, बहुत स्ट्रॉन्ग सिल्वर एंड लॉट्स ऑफ कंटोरिंग ऑन द फेस, और आँखें ब्लैक खूबसूरत बनाती हैं, उसमें जब वो ग्रे लेंस वो ज़रूर यूज़ करती हैं. तो a lot of celebrities I've heard have claimed कि they wear Bella lenses. और मैंने नॉर्मल भी बहुत सारी लेडीज़ को देखा है. मैं फ़र्स्ट टाइम ये यूज़ कर रही हूँ. बेला इज़ अ वेरी नाइस आई लेंसेज का ब्रांड. हर आपको ऑप्टिशन से नहीं मिलेगा. ये जो ऑप्टिक स्टोर्स होते हैं जहाँ सनग्लासेस, आई ग्लासेस होती हैं, वहाँ आपको यतीम ऑप्टिक्स पे आई नो दे हैव इट. मैंने बहुत जगह और चेक किया, मुझे नहीं मिला. ऑनलाइन आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं. तो मैं तो ये यतीम ऑप्टिक से ही लेके आई थी. जो कलर नहीं होगा वो आपके लिए ऑर्डर कर लेंगे. इसमें बड़े प्यारे प्यारे कलर्स हैं. एक तो उसकी कलेक्शन है, दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ कलेक्शंस इसमें, जैसे डायमंड है, स्नो वाइट है, नेचुरल है, इलीट है. दिस इज़ द ग्लो कलेक्शन जिसका मैं ग्रे लेंस लेके आ रही हूँ. मेरा पिछला लेंस ग्रे फट गया तो वो मैंने फेंक दिया, उसको महीना भी नहीं हुआ था, और एक जो था वो चोरी हो गया. तो अब ये मैं तीसरा फाइनली ग्रे लाई हूँ. ग्रे मैं यूज़ करती हूँ फॉर इंटरव्यूज़, फॉर शूट्स, और इवन इधर भी ब्लॉग्स करते हुए ग्रे बहुत मज़ेदार है, बट नॉट फॉर ड्रामाज, बिकॉज ड्रामाज में फिर वो बिल्कुल ही ग्रे आपको कहीं अलग ही ले जाता है, नेचुरल नहीं लगता. तो आई वुड गो फॉर ब्राउन और जस्ट हेज़ल. फोटोशूट्स में ब्राउन, हालांकि आपकी अपनी आंखें भी ब्राउन है, लेकिन ब्राउन एक बहुत अच्छी एक आउटलाइन देता है आंखों में, तो बहुत अच्छा टच आता है. तो बेला आज मैं आपके सामने ही इसको अनरैप करूंगी, इसको खोलूंगी और देखते हैं कि ये कैसा शेड है. इसमें बहुत मज़े के शेड्स हैं. ग्लो में क्या है कि इस लेंस में थोड़ी शाइन है, एज द नेम सजेस्ट ग्लो. इलीट, डायमंड वगैरह में कुछ जो हैं वो इन लार्ज लेंसेज भी हैं, बड़ी बड़ी जो आपके आँखों में, सब बड़ी लेंस का अगर आपको शौक हो या आप बड़ी लगाना चाहते हैं तो फिर वो दैट इज़ द कलेक्शन फॉर यू. देन देर इज़ द नेचुरल कलेक्शन जिसमें एक टोन के कलर्स हैं. देर इज़ ब्राउन, ग्रे, ब्लू, ग्रीन, रेडियंट ग्रे. तो इसकी कलेक्शन देखें, बहुत सारे शेड्स हैं, बहुत बहुत सारी इसमें वैरायटी एंड चॉइस है. स्टोर में आपको सब नहीं मिलेंगे, ऑर्डर करने पड़ते हैं. ये 3 मंथ्स तक इसको लिखा है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं. ओके,
3 month uses mein hai, very clearly mentioned. Eye makeup mein thoda sa kiya hua hai, zyada maine is waqt pencil lagayi hui hai, Too Faced ki black ye pencil hai, which is really nice, perfect black it's called. Wo maine lagayi hui hai, mascara by Kiko, which is very reasonable, 50 something dirhams ka tha, expensive nahi aur iski badi achhi baat hai, I'll show this to you. Iska jo brush hai, ye दो इसमें ब्रशेस हैं, एक पतला कोम्बिंग की तरह है कि जो कि लैशेस को कोम करेगा, ये वाला. दिस इज़ फॉर कोम्बिंग, अगर आपको नज़र आ रहा है, हाँ ऊपर कोम्बिंग के लिए, और ये है थिकनेस के लिए ब्रश. और बड़ा फ्लेक्सिबल सा इसका मज़े का है इसका ब्रश, और इसका ये जो हैंडल है टिंग 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 हो जाता है. तो आइज़ एंड मेकअप इज़ डन, सिर्फ मैंने लेंस लगानी है दिखाने के लिए. ओके, इसके साथ सोल्यूशन ये लोग नहीं देते, केस बड़ी मुश्किल से मेहरबानी करके दे दिया, सोल्यूशन क्यों नहीं आया पता नहीं, कंजूसी. 150 दरम्स की ये शॉप में रिटेल थी, इसकी 130 का मुझे मिला, ऑनलाइन भी आपको इसके आसपास ही मिलना चाहिए, जबकि फ्रेश लुक वगैरह कुछ लेंस आप 100 दरम्स में आपको मिल जाती हैं, पाकिस्तान में 1000-1200 में आपको अच्छी खासी लेंस मिल जाती है, बट बेला या एयर ऑप्टिक्स ये ब्रांड आपको नहीं मिलेंगे. ओके, आई एम गोइंग टू ओपन दिस नाउ. ये देखें आपके सामने, फर्स्ट टाइम पेन मैं लगा रही हूँ, आईज़ पे यूज़ कर रही हूँ, या तो अच्छा लगेगा भाई, सच सच बताना, मजाक ना करना, मेरा दिल ना रखना, नहीं अच्छा लगा तो कह देना, हाई तो वापस भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं इसका हो सकता, बस अब खोल ली लगा ली तो जैसी भी है, या तो ये बांक में रहेगी या फिर ये कचरे में जाएगी. माई हैंड्स आर प्रॉपरली क्लीन सैनिटाइज सेगमेंट से पहले ही. सोल्यूशन इसमें मेक श्योर आप अच्छा खासा सोल्यूशन लगाएं, आप लेंस को इससे वॉश करें, हाथ आपके धुले हों, फिंगर टिप्स धुली हों. मेरा लेंस पहनने का तरीका बहुत डिफरेंट, बहुत फनी है. ओके, प्लीज ब्रिंग द मिरर क्लोज, लेट्स ट्राई रेडिएंट ग्रे. मैं नहीं दिखाऊंगी जब तक दोनों नहीं पहनूंगी. डाउन डाउन, ओ माई गॉड, कांट वेयर इट. चलो पहले कंपैरिजन कर ही लेते हैं, दिखा देते हैं. दीज आर एक्स्ट्रा थिन लेंसेज, और इतनी पतली थी ये कि वाकई मुझे लगाई नहीं जा रही थी, दूसरी भी लगा दूँ. हाँ बता रहा सर, जो पता है आप लोगों को हंसी आ रही है थोड़ी थोड़ी, देखिए ना अभी कंट्रोल करें. अभी तो ल्यूमिनस पर्ल्स भी थी, बट आई डोंट फील एनी थिंग व्हेन आई वेयर इट इन माई आई, बट इट्स शोइंग. हाँ, नजर बड़ा आ रहा है. आई इम्प्रेस्ड और आई यू स्केर्ड. अच्छा, इसमें ना कुछ ड्रामेटिक सी लेंस भी इनकी एक रेंज आती है ड्रामा के लिए, फोटोशूट्स में, पिक्चर्स में या मूवीज में कभी देखा हो कि यार लड़कियों की ये आंख ऐसे कलर कैसे आता है, वो कौन सी लेंस पहनते हैं, तो वो लगाते हैं बेला. बेला इज़ अ वेरी ड्रामेटिक लेंस ब्रांड, वेरी वेरी कंफर्टेबल. मैं बताऊँ, मेरी एयर ऑप्टिक्स से भी ज़्यादा कंफर्टेबल है. और अब मुझे गुस्सा चढ़ा है कि मैंने ब्राउन में क्यों नहीं ली, मुझे ब्राउन में भी लेनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत बहुत कंफर्टेबल है. कलर की तो अपनी चॉइस होती है, 10,000 कलर्स हैं इसमें. बहुत जो आपको लाइट नज़र आए वो ज़रूरी नहीं कि आपके ऊपर अच्छा लगे, तो हमारी स्किन टोन के हिसाब से आई थिंक रेडिएंट इज़ नॉट बैड. इसमें ग्रे भी आता है, जिसमें फिर आउटलाइन इतनी नहीं होगी सेलिना जेटली वाली, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं. आई थिंक ऑर्डर अ फ्यू, 2-3, एक तो फिर उसमें सही होगी. ब्राउन के साथ कोई मसला नहीं, ग्रे ब्लू एंड ग्रीन इज़ वेयर वी एक्चुअली यू नो मेस अप. तो कैसी लगी वीडियो? इफ़ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल outstyle.com. बाय बाय, टेक केयर.